लोग श्री राम जी का चित्र पूछते हैं, पर सच यह है उनका चरित्र नहीं पूछते। चापलूस मित्र हमें अच्छे लगते हैं, पर कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूछते। महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम, फूलों से जो बना है वो इत्र नहीं पूजते। फूलों से जो बना है वो इत्र नहीं पूजते। उन बच्चों को मिलेंगे कैसे संस्कार बोलो, जिनके मां बाप अपने पितृ नहीं पूजते। भाई ने कहा कि गरीबी देखी साहब, ये हकीकत बात है। जब बताया जाता है ये कवि वहां गए, इन्होंने ये किया वो किया, तब हम अपने बारे में आत्ममंथन करते हैं। आत्ममंथन क्या करते हैं, हम यहां तक ऐसे नहीं पहुंचे। आप भी अपने अपने पदों तक ऐसे नहीं पहुंचे होंगे, दूर देहात गांव से आए होंगे, कैसे पहुंचे होंगे कि सर गालियां ठोकर और ताने, चिराग सुनना, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये। चिंता मत करो, ज्यादा गंभीर नहीं करूंगा, लेकिन ये कैमरे लग रहे हैं, कई बार कैमरे देखता हूं तो मुझे लगता है यार वो आईफोन का कैमरा बढ़िया है, ये कैमरा बढ़िया है, जो ऑफिस में सीसीटीवी लग रहे हैं ये कैमरों से बचना है। लेकिन मैं कहता हूं जिंदगी में एक कैमरे से बच के रहना, मैं चिराग भाई की बात और आगे तक करना चाहता हूं, एक कैमरे से बचना के न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम। ये हम गंभीरता से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग बैठे, वरना हमें तो गोयल साहब पशु मेलों तक में कभी सम्मेलन में बुलाया जाता है, पर हमें लगना चाहिए कि हम बात किन में कर रहे हैं, वरना हम तो वो लोग हैं जो शमशान घाट जाएं तो वहां से भी हंसी का पिटारा ले आए। मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो गई पिछले दिनों, मुझे भी जाना था, पड़ोस का धर्म निभाना था, मैं गया तो वहां पर मैंने वो टाल लकड़ी वाली अंदर ही होती है आजकल शमशान घाट में, मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा लकड़ियां कैसे दी भाई, तो उसने जो रेट बताया तो मुझे लगा कुछ ज्यादा बता रहा है, मेरे मुंह से आदतन निकल गया, ठीक ठीक लगा ले, हम तो हर हफ्ते आते। पास में एक उम्रदराज आदमी खड़ा था, उसे छींक आ गई, मैंने कहा हो सकता है इस बार हफ्ता भी ना लगे, तो हम तो वो लोग हैं कि कहां कहां से लाते हैं। लेकिन विजन, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं, किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा